परम आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के जय हो। क्या बात है, परम आदरणीय श्री जितेंद्र बजरंगी जी नेता जी की ओर से अमूल आशीर्वाद आया है। और अभी आप मंच का सुंदर सा इतना बढ़िया संचालन कर रहे थे, नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए चलते हैं सीधे कार्यक्रम की ओर। और आदरणीय जन समुदाय, चूंकि कहा गया है जनता जनार्दन का मतलब है भगवान का रूप होता है, समय परमात्मा का रूप है। मानस में लिखा गया, बाबा ने लिखा है कि सीए राम में सब जग जानी तो करो प्रणाम जोर जुग पानी। सीता राम है, सब में राधे श्याम है, माँ का वास है, तो सभी को मैं नमन कर रहा हूँ। और चलते हैं सिद्ध कार्यक्रम की ओर। चलो गीत बजा कौन सा? आदरणीय श्रीमती कल्पना दुबे जी सुनिए कि पहला गीत हमारी ओर से सवाल के रूप में आपके लिए और आप सबकी सेवा में। गीत बजा कौन सा? कि मैं जिस दिन भुला दूं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। कल्पना जी, प्यार ऐसा ही होना चाहिए। और क्या, इश्क वाले आंखों की बात समझ लेते हैं, इश्क वाले आंखों की बात समझ लेते हैं, और सपनों में मिल जाए तो मुलाकात समझ लेते हैं। अरे रोता तो आसमान भी है प्यार के लिए, रोता तो आसमान भी है प्यार के लिए, मगर लोग उसको बरसात समझ लेते हैं। ये आके तुम जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो। रणजीत राजी भी पधारे हैं, जैसे धन्यवाद है आने के लिए। जय माता दी। और जैसे मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, छोटे हैं तो आशीर्वाद हमारी ओर से है, ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आपके मंडल के लिए। हेलो भैया, थोड़ी सी अगर कृपा कर दें, हमारे जो मेन माइक है थोड़ा सा अगर इसका वॉल्यूम बढ़ा दें। बढ़िया बोल रहा है, बस थोड़ा सा हाँ गुंजाइश हो तो सुनेगा। आदरणीय कल्पना दुबे जी, तमाम बातें लोग आते हैं,
हमारे आदरणीय पिता तुल्य चाचा जी श्री महेंद्र निषाद जी के बड़े सुपुत्र के द्वारा ये बहुमूल आशीर्वाद आया है 111 पत्र मुद्राओं का, और साथ में पुष्पहार भी हृदय से नमन कर रहा हूँ भैया जी को। सुनेगा तमाम लोग आते हैं, पिछले साल मैं भी गा के गया 4 नवरात्रि, उसमें कौन कौन से देवी प्रकट हुई, किसका पद किया, इस नवरात्रि के पर्व हैं तो माँ के गीत गाए जाते हैं। एक में नई बात, और नई बात नहीं हो सकती क्योंकि ये साहित्यकारों की नगरी है, कलाकारों की नगरी है, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े महर्षि संत महात्मा यहाँ हैं, सभी तीर्थों के राजा हैं प्रयाग महाराज। तो मैं कोई नया कथानक तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं दे रहा हूँ, आप सबकी सुनी सुनाई बात है, लेकिन एक नया प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ नई बात आ जाए, अच्छा लग जाए। कहना है सुनिएगा जरा गौर से सतयुग की कहानी, और सुनिएगा जरा गौर से सतयुग की कहानी, और सच्चा दरबार सच्ची है मेरी माता भवानी, और एक लड़के की एक लड़की से टकरा गई नजर, तो कहने लगा माँ अम्बे से कर, कहने लगा माँ अम्बे से कर दोनों जोड़ कर। एक मंदिर में एक लड़की जिसका नाम है सरंधी, नाम है सरंगी और लड़के का नाम है सत्यदेव, दोनों मंदिर में खड़े हैं माँ के दरबार में, दोनों की नजर एक हो गई, नैना चार हो गए, लेकिन लड़की के तो नहीं लेकिन लड़के को प्रेम हो गया। उसने कहा कि माँ माँ है कामना इस लड़की से माँ मुझको मिला दे, मेरी कामना है माँ अम्बे यही कामना और मुझको मिला दे माँ, और सर काट के चढ़ा दूं पर शादी करवा रे, मैं सर काट के चढ़ा दूंगा आपके चरणों में मैया अगर मेरी शादी इस लड़की के साथ हो जाए। माँ अम्बे रचाया ब्याह तो फिर आ गई बारात, माँ ने ऐसी कृपा कर दी, लड़की के घर वाले लड़के के घर गए, शादी तय हो गई, बारात आ गई, और माँ अम्बे ने किया करिश्मा आ गई बारात, और हुई रस्म सारी पूरी और बीत गई रात, और माता पिता ने कर दिया बेटी की विदाई, तो ससुराल तक पहुंचाने के लिए चल पड़ा भाई, भाई भी साथ में, दुल्हन का एक छोटा भाई भी था साथ में, वो भी चल पड़ा, और उसी राह में अम्बे माँ का वही मंदिर जहाँ पे लड़की को देखा था पहली बार, उसी राह में अम्बे माँ का और मंदिर था मनोहर, तो दर्शन करने को दूल्हा गया मंदिर के अंदर, चोरी रोक दी मंदिर में गया, लेकिन और भूला ना अपना वादा है वो वादा निभाया, और सर काट करके माता के चरणों में चढ़ाया, बोलने पे सर को काट के जब चढ़ा दिया काफी देर हो गई, और हुई काफी देर, दूल्हा जब लौट ना आया तो मंदिर में के दुल्हन का भाई मंदिर में है देखने आया, मंदिर में आया तो मंदिर में जाके देखा दूल्हे की बड़ी है लाश, तो सर पीट पीट रोने लगा होकर के हताश, भाई ने कहा अबे बहन से क्या बताऊं, अब क्या बताऊं मैं और अपनी बहन से जाकर, तो सर काट दिया उसने भी है तेग उठाकर, भाई ने भी सर को काट के चढ़ा दिया, और जब देखा
के हुई काफी देर, भाई भी जब लौट ना आया तो प्रतीक्षा करते करते दुल्हन का मन घबराया। दुल्हन घबराने लगी, फिर क्या हुआ, हमारे पति महोदय भी लौट के नहीं आए, भाई भी नहीं आया। तो दुल्हन चलते आ गई माता के दरबार, और देख लास साजन बीरन की शाबाश, तो छूटा सब्र करार। दुल्हन रोने लगी, मां तुमने क्या कर दिया, अभी मेरी डोली ससुराल तक नहीं पहुंची, मुझे रास्ते में विधवा बना दिया, इकलौता भाई था उसे आपने ले लिया, अब मेरा जीना बेकार है। और दूल्हे ने जैसे तलवार उठाई अपना सर काटना चाहा, तो ही माँ प्रकट हो गई, अष्टभुजी माता प्रकट हो गई और दूल्हन से कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारा पति भी जिंदा हो जाएगा, तुम्हारा भाई भी जिंदा हो जाएगा, तुम्हें करना ये है कि सर को धड़ से जोड़ दीजिए, बस ये आपके भाई और पति जिंदा हो जाएंगे। और मंदिर में अंधेरा हो चुका था, कोई दीपक कोई प्रकाश नहीं था, तो दूल्हन ने आनंद फानंद में जल्दबाजी में सर जोड़ तो दिया, लेकिन दूल्हे के धड़ में भाई का सर जोड़ दिया और भाई के धड़ में पति का सर जोड़ दिया। अब जब दोनों खड़े हुए जिंदा हुए तो दूल्हन और भी रोने लगी कि अब तो जिंदा है लेकिन माँ एक समस्या है। क्या सुनेगा, क्या के भाई के तन में समस्या है मैया, मैया आखिर मैं किसको अपनाऊं, किसको अपनाऊं, के भाई के तने में और साजन का सर है, के भाई के तने में और साजन का सर है, और साजन के सर में और साजन के तने में और पीरन का सर है। शाबाश। और कहा माँ कैसा ये तेरा और परिवर्तन है, अब मैं किसे अपनाऊं, क्योंकि और दोनों में भाई और दोनों में सजन है, अब दोनों में भाई है दोनों में पति है, तो मिलन तो मेरा किसी से भी नहीं हो सकता। नीचे अगर पति का धड़ है तो सर भाई का है, नीचे पति का धड़ है तो ऊपर, अगर नीचे भाई का धड़ है तो ऊपर पति का सर है, मैं किसे अपनाऊं मैया। तो माँ ने चमत्कार कर दिया और तन का परिवर्तन कर दिया, तो हुआ क्या है ना, कि तीनों को मानो से और पंछी बनाया, तुरंत माँ ने कृपा कर ली और तीनों को मानो से और पंछी बनाया, तो मिला है महावर, मिला है महावर और महा भगवती, सात आशीर्वाद मिल गया। हुआ क्या, दूल्हन ने कहा जिसको मोरनी बना दिया, दूल्हे को मोर बना दिया, जो उसका भाई था उसको पपीहा बना दिया। मोर ने सवाल कर दिया कि माँ तब भी मेरा मिलन कैसे होगा, जब तक समागम नहीं होगा तो बाल बच्चे कैसे पैदा होंगे, वंश कैसे बढ़ेगा। तो माँ ने एक वरदान दिया कि जाओ, क्योंकि नीचे नीचे का जो तन है वो पति का वो भाई का है, तो नीचे का तन है वो भाई का है, सर पति का है, तो ये तुम्हारा मोर जब मस्त होकर के नाचेगा, इसके मुंह से जो लाल टपकेगी तू उसे चाट जाएगी, तेरे बाल बच्चे पैदा होंगे। तभी से वरदान कायम है, मोर कभी समागम नहीं करता, आज भी मोर नाचता है, जो मुंह से लाल टपकती है मोरनी वही चाटती है, इससे बाल बच्चे पैदा होते, वंश बढ़ता है। और बचा वो भाई, माँ ने उसको पपीहा बना दिया, बोला मेरा वंश कैसे चलेगा, तो माँ ने बताया कि तेरा कोई जोड़ा नहीं है, तू
अकेला है तो मैं तुझे वरदान देती हूँ कि जब भी स्वाति नक्षत्र बरसेगा, जब कभी स्वाति नक्षत्र बरसेगा और तू उसे पी जाएगा, उसे से तुझे गर्भधारण गर्भ होगा, तू गर्भधारण करेगा और तेरे बाल बच्चे पैदा होंगे। तो कहना तो हुआ परिवर्तन और लगे करने नर्तन, हुआ परिवर्तन और लगे करने नर्तन, तो नवल तन सवारा है मोर मोरनी है, मोर मोरनी बना दिया है ना, कि तीनों को मानों से और पंछी बनाया, तो मिला है महावर अगली बात देखेंगे। कल्पना जी सुनेगा अगली बात, भगवान शिव के लाख मना करने पर सती माता नहीं मानी, अपने पिता के यहाँ यज्ञ में चली गई, वहां शिव का भाग नहीं देखा, शिव का अपमान देखा, पति का अपमान सह न सकी तो ये आग से अपने तन को जला लिया, योग से अग्नि को प्रकट किया। जो जब सती माता जलने लगी, जब सती माता जलने लगी तो उसमें एक विचित्र घटना घटी, एक मोर था वो दौड़ता हुआ आया और माँ को बुझाने का प्रयास करने लगा, माँ को बुझाने का प्रयास करने लगा। उसके बाद माँ तो जल गई लेकिन मोर के टंक पंख भी जल गए। भगवान शिव आए, यज्ञ विध्वंस कर दिया, दक्ष के सर को काट दिया, लेकिन मोर वहां जला पड़ा था। भगवान शिव और माता भवानी ने उसे वरदान दिया कि जाओ, तुम चाहते क्या हो, मनमांचित वर प्राप्त करो हमसे। तो मोर ने कहा कि अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो ऐ माँ सती, आप मेरी पुत्री बन करके आए, जो क्योंकि मैं पंछी योनि में हूं, मैं मोर हूँ, तो मेरी पुत्री बन करके आए। तो माता सती उस मोर की पुत्री यदि मोरनी बन करके आई, सुनेगा सकी सहना अपमान, सहना अपमान और शिव का शिवानी, तो योग आग्नि से लगी, योग आग्नि में लगी और जलने भवानी, तो बचाने सती को और एक मोर आया, और बुझाते और पंख को जलाया। हुआ क्या, तो मोर की सती माँ और सुता बन के आई, मोर की सती माँ और सुता बन के आई, और मिला है परम वर शिव और सती का। माता सती मोरनी बन गई, तो भगवान शिव भाई सती के बगैर रह नहीं सकते, तो भगवान शिव मोर बन के आ गए वहीं मोर के पास। तो लगे अरे हुआ परिवर्तन, लगे करने नर्तन, हुआ परिवर्तन, लगे करने नर्तन, परम रूप धारा है मोर मोरनी का। कहना मोर की सती माँ और सुता बन के आई, और मिला है परम वर शिव।
अभी अमरनाथ में चले जाइए, वहाँ एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा आपको मिलेगा देखने के लिए। लोग कहते हैं कि वो भगवान शिव और पार्वती हैं। मेरी अगली पंक्ति सुनेगा कहना, के सजा थाल बंधन का, कल्पना जी सुनेगा। एक बार की बात है, वृंदावन में राधा नित मोर को भोजन कराती थी। भैया राधा जी नित मोरों को और मोरनियों को भोजन कराती थी वृंदावन में। एक दिन वो भोजन का थाली सजाकर राधा चल पड़ी वृंदावन, लेकिन वहां पर देखा उस दिन ना कोई मोर है उस जंगल में और ना कोई मोरनी है। राधा उदास होकर बैठ गई। सजा थाली बंजन का, बंधन का चली सती सोहनी, और मन में मुदित है वो मोहन की मोहिनी, मोहन की आई है वृंदावन श्याम चित चोरनी, आई है वृंदावन और श्याम चित चोरनी, तुम मिले ना वहां पर कोई मोर और मोरनी। जब कोई मोर और मोरनी जब नहीं मिले, राधा उदास होके बैठ गई, तो भगवान कन्हैया राधा को उदास नहीं दे सकते, तो भगवान कृष्ण मोर बन के आ गए, वहीं पर नाचने लगे। तो कहना पड़ा कि रमन योगेश्वर आदरणीय हमारे कमल सिंह भैया राजपूत मंडल की ओर से क्या बात है। हमारे बहराइच में आपने बहुत कार्यक्रम किया है, आपके श्री पिताजी ने, तो हृदय से नमन है और आपके श्री पिताजी को मैं नमन कर रहा हूँ, जहाँ भी हैं उन्हें मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद है पुष्पहार के लिए, उपहार के लिए और अंग वस्त्र के लिए मैं हृदय से आपको नमन कर रहा हूँ। अंतिम बात देखेगा कैसे रमन योगेश्वर बने मयूरेश्वर, योगेश्वर बने मयूरेश्वर, और माया न जाने कोई और मायापति का, तो हुआ परिवर्तन करने नर्तन। जब देखा श्याम अकेले मोर बन के नाच रहे हैं, तो राधा भी समझ गई, तो राधा ने तुरंत अपने तन का परिवर्तन किया, राधा मोरनी बन गई। तो कहना हुआ परिवर्तन लगे करने नर्तन, और दुप रूप न्यारा है मोर मोरनी। हुआ परिवर्तन लगे करने नर्तन,
शुद्ध रूप न्यारा है मोर मोर की और परम आदरणीय श्री ब्रजलाल भैया जी उत्तर उत्तर मध्य रेलवे की ओर से 105 मुद्राएं हमारे भैया अनिल भैया जी के लिए हैं। लो तुम्हारी कहानी हो गई ऊपर वाले जेब में रखना। 105 मुद्राएं हमारे लिए साथ में पुष्पहार है। भैया जी को हृदय से नमन कर रहा हूँ। के हुआ परिवर्तन हो लगे करने नर्तन रूप न्यारा है प्रेम से बोले साचे दरबार की जय। अगर